दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें ये बेल का बटन ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले और नीचे की ओर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाशक्तिशाली टूट के चैनल। आज हम आपके लिए फिर से बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। प्रेम में वशीकरण करने तथा सफलता पाने के 9 अचूक टोटके। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं। इस चैनल पर हमने एक बार फिर से गिव अवे यानी उपहार वितरण समारोह शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम आपको विभिन्न प्रकार के उपहार दे करके आपको संबोधित करना चाहते हैं। यह उपहार आपको दिवाली के वक्त पर दिए जाएंगे ताकि आपके घर में भी अनन्य प्रकार के उपहार प्राप्त करके खुशियां आ सके। लेकिन इसके लिए आपको हमारी एक सहायता करनी होगी। यह सहायता इस प्रकार है कि हमें 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, नए सब्सक्राइबर चाहिए। इसके लिए आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में कमेंट लिखना है, चाहे आप जय बजरंगबली लिखें या अपनी समस्या लिखें या कुछ भी लिखें। आपको हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के फेसबुक पेज को लाइक करना है, आपको हमारी कोई भी 3 वीडियो को शेयर करना है या इसी प्रकार के छोटे छोटे से कार्य। आपको इसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको दोस्तों ये छोटे छोटे कार्य करने हैं, इस प्रकार से आप हमारी सहायता करें। हम लकी विनर्स को देंगे उपहार, बड़े बड़े उपहार हैं दोस्तों। लैपटॉप है, मोबाइल है, एप्पल का है लैपटॉप, एप्पल का मोबाइल भी है और भी अन्य प्रकार के हैं। आपने जैसे कि इमेज में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में इमेज चल रही है आपके सामने, बार बार आ रही है, वरना आपको इस पूरी वीडियो के अंत तक आपको कई बार देखने को मिल जाएगी। आप इसे देखें, समझें और कृपया करके हमारी सहायता करें और इस मुहिम में शामिल होकर के हमारे सहायता करके आपको हमें हर 2 हफ्ते में 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। इसलिए हमने इस मुहिम को शुरुआत की है ताकि आप लोग हमारी सहायता करें और हम आपको एक भेंट दे करके 10 ऐसे लकी विनर्स को भेंट दे करके संबोधित करें जिन्होंने हमारी सबसे ज्यादा सहायता की है। और यह उपहार आपके घर तक स्वयं पहुंचाए जाएंगे। कृपया करके आप हमारी इस कार्य में मदद अवश्य करें। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है, उसको पढ़ें और उसी प्रकार से आप हमारे काम में मदद करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में, प्रेम में वशीकरण करने तथा सफलता पाने के 9 अचूक टोटके। दोस्तों, प्रेम प्रसंगों में किसी पर भी, चाहे वह लड़का हो या लड़की, वशीकरण अथवा सम्मोहन का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपका प्रेम सच्चा हो तथा आपकी भावना सामने वाले के प्रति निश्चल हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप उसके योग्य हो तथा उसे प्रसन्न रख पाएंगे, तभी आपको यहां दिए गए वशीकरण के प्रयोग में काम में लाना चाहिए। यदि उनकी सहायता से आप किसी का अहित करने की सोचेंगे तो निश्चय ही आपका खुद का अहित हो जाएगा। दोस्तों, स्वयं की जन्म कुंडली में सप्तमेश या सप्तम भाव में विराजमान ग्रह की शांति अवश्य करवा लें। यानी आपके जो कुंडली है उसके सप्तम भाव में जो भी ग्रह है उसकी शांति अवश्य करा लें। इससे न केवल प्रेम प्रसंगों वरन अन्य स्थानों पर भी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अपने प्रेमी या प्रेमिका का मन ही मन ध्यान करते हुए उपरोक्त मंत्र से इस मंत्र से राधा कृष्ण की प्रतिमा यानी कि तस्वीर या फिर मंदिर में जाकर के उनके सच्चे मन से 108 बार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तथा इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्ली
कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का आप जाप करें। प्रत्येक शुक्रवार नजदीक के किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा का दर्शन करें, फूल माला चढ़ाएं तथा मिश्री का भोग लगाएं। आपके प्रेम विवाह में आ रही हर अड़चन शीघ्र ही दूर हो जाएगी तथा आपका वैवाहिक जीवन सफलता और शांति से बीतेगा। दोस्तों, आपने हमारे बहुत से कमेंट ऐसे पढ़े होंगे जिसमें लोग हमें बहुत इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, या किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है। तो आपको प्रेम विवाह में आ रही अड़चन, आपका साथी रूठ गया है, मान नहीं रहा है, इत्यादि इस प्रकार का कुछ भी समस्या है, आपको इस प्रयोग से शांति मिलेगी। ध्यान रखें, इस उपाय से वशीकरण नहीं होता, बल्कि यह उपाय केवल प्रेम विवाह के निमित्त है। प्रेमी युगल को यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि वे दोनों शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अवश्य मिले। यदि शुक्रवार के दिन पूर्णिमा हो तो प्रेमियों के लिए वह दिन अत्यंत शुभ रहता है। इस दिन मिलने से परस्पर प्रेम में आकर्षण बढ़ता है। प्रेम में सफलता पाने के लिए प्रेमी युगल शनिवार और अमावस्या के दिन नहीं मिलना चाहिए। इन दिनों में मिलने से आपस में किसी भी बात पर विवाद हो सकता है। ये दोनों ही दिन प्रेमियों के बीच झगड़े तथा नफरत पैदा करते हैं। बहुत संभव है कि आपके प्रेम संबंध भी टूट जाए। सोलह सोमवार के व्रत तथा भगवान शिव के पूजन से योग्य सुंदर सुशील और प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है। कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। यदि प्रेमी या फिर प्रेमिका में से कोई एक मांगलिक है और प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो विवाह के लिए पुनः विचार करें, नहीं तो मंगल दोष का तत्काल निवारण अवश्य ही कर लें, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। गिफ्ट में कभी भी काले रंग की कोई भी वस्तु एक दूसरे को ना दें, इससे आपस में दूरियां हो सकती है। लाल, गुलाबी और पीले और सुनहरे पीले रंग की वस्तुओं को उपहार में देना अत्यंत श्रेष्ठ माना जा गया है। चाहे तो प्रियतम या फिर अपनी प्रेसी को हीरा भी भेंट कर सकते हैं, परंतु यह काला या नीला नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक दूसरे और नुकीले या काले रंग की कोई वस्तु कभी भी ना दें, इससे संबंध खराब होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थे प्रेम में वशीकरण को अपने वशीकरण होता है दोस्तों, आपस में आकर्षण शक्ति को पैदा करना। तो दोस्तों, प्रेम में वशीकरण करने तथा सफलता पाने के 9 चूक टोटके आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। यदि आप किसी को सच्चे मन से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखेंगे, या फिर राधा कृष्ण की जय हो, या फिर कुछ भी आप राधे राधे इत्यादि लिख सकते हैं। यदि आपका प्रेम सच्चा नहीं है तो आप ना लिखें, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय बजरंगबली।